हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज, जयपुर प्रदेश में कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रोक, रजिस्ट्रार जब्त कर सकेंगे संपत्तियां। आगे खबर है कि आदर्श समेत 13 क्रेडिट सोसाइटियों ने की करोड़ की धोखाधड़ी, पहली बार सरकार ने उठाए कदम। प्रदेश में 1300 पंजीकृत सोसाइटियां, इसमें से 13 धोखाधड़ी के केस। दोस्तों, हमारे एसटी न्यूज चैनल पर आप सभी निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आगे खबर है कि जयपुर आदर्श संजीवनी और नवजीवन जैसी कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों की धोखाधड़ी होने के बाद प्रदेश सरकार ने पहली बार सख्त कदम उठाया है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि राजस्थान में किसी भी नई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन नहीं होगा। यही नहीं, मौजूदा क्रेडिट सोसाइटियों के लिए भी यह जरूरी कर दिया है कि वे निवेशकों का पैसा सिर्फ सहकारी बैंकों में ही जमा कराएंगे। हर महीने प्रगति रिपोर्ट सहकारी विभाग को भेजनी होगी, ऑडिट भी केवल विभाग के ऑडिटर से ही करानी होगी। सहकारिता रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज पवन ने शुक्रवार को प्रदेश में संचालित सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर ये आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 387 निष्क्रिय सोसाइटियों को अवासनीय में लाकर पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में करीब 1300 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत है, इनमें से 72 मल्टी स्टेट सोसाइटियाँ हैं, जिनमें 13 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों में SOG जाँच कर रही है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए, हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का